हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जॉइन इंडियन आर्मी की। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 49th कोर्स है, जो कि आपका मेन और वुमेन जो कि अनमेरिड हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी मैं आपको सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, पर किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपके लिए सारी चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन, सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं इस वीडियो में हमारी जॉइन इंडियन आर्मी की एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 49th कोर्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जॉइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 49th कोर्स अप्रैल 2021 शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है, फॉर मेन एंड वुमेन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इनवाइट करते हैं अनमेरिड मेल और फीमेल को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, देख सकते हैं नेशनलिटी आपको देख सकते हैं इंडियन रहेगी, बाकी आपकी यूआरई यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एज लिमिट दे सकते हैं फॉर एनसीसी कैंडिडेट आपको दे सकते हैं 1925 रखी गई आपकी आयु 1 जनवरी 2021 के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे आपको जो होना चाहिए बॉर्न नहीं होना चाहिए पहले 2 जनवरी 1996 न उसके बाद 1 जनवरी 2002 के बाद। ठीक है, तो ये आपकी बीच की डेट वाले जो हैं वो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट हम देख लेते हैं इसमें आपको, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट दे, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दे कैन अपियर ओनली वन ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB इंटरव्यू आइदर फॉर SSC NT 113 कोर्स अप्रैल 2021। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ रही है तो उसके बारे में देते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव इन अंडरटेकिंग द इफेक्टिव अंडर डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया की बात करें, फॉर NCC आपको सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इक्विवेलेंट एग्रीग्रेड पर आपके जो मिनिमम परसेंट है 50% रहनी चाहिए। मार्किंग टेकिंग इनटू आपका अकाउंट मार्क ऑल द ईयर, दोज स्टडी इन फाइनल ईयर आल्सो अलाउड टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव सिक्योर मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क इन द फर्स्ट 2-3 ईयर 3-4 ईयर डिग्री कोर्स रेस्पेक्टिव। सच स्टूडेंट विल बी नीड टू सिक्योर ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50% मार्क इन डिग्री कोर्स इफ सेलेक्टेड इंटरव्यू फॉलोइंग विच देयर कैंडिडेट विल बी कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे देखते हैं आपके 50% होने चाहिए। यहाँ पे आपका एग्रीगेट का मतलब ये होता है 49.99 भी है तो वो उनको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सर्विस इन NCC शुड बी आपको देखते हैं शुड हैव सर्व इन मिनिमम 3 एकेडमिक ईयर, जो देखते हैं आपका 22 फरवरी 2013 से ऑनवर्ड टिल 2 ईयर, यहाँ पे इसको आपको देखने को मिल जाएगा। आपको देखते हैं ग्रेडिंग शुड हैव बी ऑब्टेन मिनिमम ऑफ बी ग्रेड इन आपको सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ NCC। एप्लीकेंट्स हु आर नॉट होल्डिंग NCC सर्टिफिकेट ऑन डेट एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जिनके पास NCC के सी का सर्टिफिकेट नहीं है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट डिग्री कोर्स कैंडिडेट हु हैव पास ग्रेजुएट डिग्री इन कोर्स मस्ट प्रोड्यूस आपका प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जानकारी आ रही है। फॉर द कैंडिडेट जो इन द फाइनल ईयर डिग्री कोर्स है, द कैंडिडेट आपको दे सकते हैं कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर ग्रेजुएशन इफ नॉट ऑलरेडी पोजिशन ऑफ प्रोफेशनल डिग्री मस्ट बी द प्रूफ ऑफ द ईयर पासिंग द ग्रेजुएट डिग्री एग्जाम 1 अप्रैल 2021। तो डायरेक्टेड जनरल रिक्रूटिंग आपका फेलिंग टू विच देयर कैंडिडेट, ठीक है, विल बी कैंसिल। तो आप अगर अपना 1 अप्रैल 2021 तक नहीं कर पाते तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। फॉर आपका यहाँ पे आपकी जानकारी आ रही है आपकी कैजुअलिटी और आर्मी पर्सनल के बारे में रहे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ 50% होना चाहिए और NCC सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड टू वार्डर ऑफ बैटल ऑफ कॉजिटिव आपको आ रहा है तो इनके लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो डिटेल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, वैकेंसी देख के NCC मेन के लिए 50 है और वुमेन के लिए 5 है। ठीक है, इस तरीके से आपकी आ रही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टर्म और कंडीशन आ रही है उसके बारे में आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन विल बी ग्रांटेड मेल फीमेल रेगुलर आर्मी फॉर 14 ईयर एंड इनिशियल पीरियड 10 ईयर एक्सटेंडेड फर्दर फॉर पीरियड 4 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं आपका जानकारी आ रही है उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन लाइबिलिटी ट्रेनिंग जैसे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 49 वीक होगी OTA चेन्नई। तो सेलेक्टेड आपका कैंडिडेट विल बी डिटेल प्री कमीशन ट्रेनिंग OTA चेन्नई अकॉर्डिंग टू द पोजिशन द फाइनल
आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपकी आ रही है, तो यहाँ पे 11,952 पर वीक आपकी जो रहेगी, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट है जो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देगा, प्रमोशन क्राइटेरिया रैंक आपको दे रखी है, यहाँ पे आपको दे रखा है, तो उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है, मैंने रुक रखा है। अब पे के बारे में आपको देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल आपका ब्रिगेडियर, यहाँ पे आपकी सैलरी वाइज स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मिलिट्री सर्विस पे MSP आप देख सकते हैं 15,500 फिक्स्ड है। फिक्स स्टूडेंट कैडेट ट्रेनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट जेंटलमैन और लेडी कैडेट ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ड्यूरिंग आपको जो देख सकते हैं 56,100, ठीक है, पर मंथ इस तरीके से आ रहा है। और बाकी आपके देख सकते हैं क्वालिफिकेशन ग्रांट दे सकते हैं आपका आ रहा है, जो कि अब्लिस्ट सेपरेट अलाउंस एलिजिबल एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट न्यूली प्रपोज हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव ऑर्डर ऑफ फॉर HQI येट टू इशू बाई MOD। तो फ्लाइंग अलाउंस आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपका दे रखा है उसके बारे में दे सकते हैं, ठीक है। अदर अलाउंस आ रहे हैं वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, रैंक आ रही है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, हाई एटीट्यूड अलाउंस आ रहा है वो देख सकते हैं, ठीक है, सियाचिन अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, तो आपके यहाँ पे जो आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे रही है, उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन आपका एजुकेशन अलाउंस है वो दे सकते हैं, ठीक है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे है, जैसे कि आपका ये लिंक एक्टिवेट होगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, एप्लीकेशन हैविंग रोल नंबर 30 मिनट आफ्टर फिलिंग फाइनल क्लोजर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन लास्ट डे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट आप दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपको जानकारी आ रही है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल टू बी कैरीड सिलेक्शन आपका सेंटर बाय द कैंडिडेट, ठीक है। तो ये जानकारी आ रही है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी क्या क्या है, आपके मार्कशीट है, ग्रेजुएशन डिग्री है, मार्कशीट पर ऑल ईयर सेमेस्टर, ठीक है, NCC के सर्टिफिकेट भी, वो भी आपको रखने पड़ेंगे। तो ये जानकारी है मैंने बता दी है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं, इंटीग्रेटेड HQ ऑफ MOD, रिजर्वेशन द राइट टू शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ रहा है ओनली शॉर्टलिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अंडरगो SSP, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-stage सिलेक्शन प्रोसीजर, दीज टू हु क्लियर स्टेज 1 विल गो टू स्टेज 2, ठीक है। तो जो पहला स्टेज क्लियर करे उसके बाद स्टेज 2 पे जाना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब चेक कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट है, चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट के बारे में आ रहा है, तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है। तो यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए दे सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन 30 दिसंबर 2020 और एंड क्लोज है आपकी 28 जनवरी 2021, ठीक है। तो फ्रेंड ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, अगर ये फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।